चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जील मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल सागवाड़ा में भामा शाहवाड़ एवं आरोग्य रथ का हुआ शुभारंभ। शुक्रवार 25 दिसंबर को जिला अस्पताल सागवाड़ा में निःशुल्क भामा शाहवाड़ का अनावरण कार्यक्रम संपन्न किया गया। शुभारंभ के इस अवसर पर डूंगरपुर बांसवाड़ा परिक्षेत्र के प्रबुद्धजनों सहित बड़ी संख्या में आम नागरिकों की उपस्थिति रही। जिला अस्पताल के निःशुल्क भामा शाहवाड़ में स्थित HDU हाई डिपेंडेंसी यूनिट का शुभारंभ क्षेत्र के लोकसभा सांसद श्रीकंद कमल जी कटारा के कर कमलों द्वारा किया गया। भामा शाहवाड़ जनरल सर्जरी वार एवं आरोग्य रथ का शुभारंभ बागी दौरा बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व जनजाति क्षेत्र विकास मंत्री श्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया के कर कमलों द्वारा संपन्न किया गया। श्री मालवीया ने इस अवसर पर कहा कि जिला अस्पताल में भामा शाहवाड़ का उद्घाटन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज पूरे अस्पताल सुविधाओं का अवलोकन करने पर मैं अभिभूत हूँ। सर, आज उद्घाटन हुआ जील में और भामाशाह का निशुल्क जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है हमारे दीनबंधु जी के सानिध्य में, तो बताइए सर, सरकार की ये वागड़ और मेवाड़ क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ। जिस तरह की बीमारियां आ रही हैं, उस बीमारी के इलाज के लिए और महंगे इलाज के लिए हमारे यहाँ की जनता को गुजरात जाना पड़ता था, महंगा इलाज लेना पड़ता था, बहुत ज़बरदस्त इन लोगों के साथ में लूटपाट होती थी। जो सुविधा अहमदाबाद में, उससे बेहतर सुविधा हमारे जील हॉस्पिटल में है। मैं आज के दिन तमाम क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ कि हम भटके नहीं, अपने घर में हॉस्पिटल है, उसका पूरा लाभ लें और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वही निःशुल्क भामा शाहवाड़ जनरल मेडिसिन वार जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री दिनेश जी खोरनिया के कर कमलों द्वारा संपन्न किया गया। इस अवसर पर श्री खोरनिया ने कहा कि आज जिला अस्पताल द्वारा इस अत्याधुनिक उन्नत टेक्निक और विशेषज्ञों की टीम को देखकर हमें पूरा विश्वास है कि वागड़ वासियों को श्रेष्ठतम उपचार के लिए वागड़ से दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो वर्ष पूरे हुए सरकार के और आपके क्षेत्र में ये एक भामाशाह योजना चालू, इसके बारे में बताइए। देश की आज़ादी की लड़ाई से और देश की आज़ादी के बाद भोगीलाल पंड्या जी, मानिकलाल वर्मा जी, नाना भाई खाट, हरिदेव जोशी, भिक्खा भाई, हमारे महेंद्र मालवीया जी तक जो काम इस वागड़ के लिए किया है, उनको युगों युगों तक जनता याद रख रही है। वैसा ही काम हमारे दीनू भाई और उनकी टीम ने इस वागड़ और मेवाड़ के लिए किया है। ये एक इतनी बड़ी उपलब्धि है कि ये पूरे 70 सालों के अंदर जितने काम हुए और उसके बाद उसमें से एक जेल हॉस्पिटल का काम भी हमारे लिए एक ऐतिहासिक काम है, जनता के भले के लिए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी का 2 साल भी पूरा हुआ है और इस जेल हॉस्पिटल के भी 2 साल पूरे हैं। माननीय अशोक गहलोत जी भी राजस्थान के अंदर ना तो एक व्यक्ति को भूखा सोना देना चाहते हैं, ना उसको बीमार रखना चाहते हैं। हर व्यक्ति का निःशुल्क इलाज हो रहा है, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमारे जेल हॉस्पिटल के प्रबंधन ने भी वागड़ के लोगों के लिए एक शुरुआत की है कि जो भामाशाह योजना में है, चाहे सरकार की अन्य योजना में, बीपीएल के कारण भी उनको मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसा वर्ग भी रह गया है यहाँ पर जो गरीब होते हुए भी किसी सरकारी स्कीम में कवर नहीं होता है। लेकिन दीनू भाई, भूपेंद्र भाई और उनकी टीम ने और उनके ट्रस्ट ने ये घोषणा की है कि कोई भी गरीब व्यक्ति यहाँ पर आएगा तो उसका निःशुल्क इलाज किया जाएगा। उसके लिए पूरे वागड़ की तरफ से जेल प्रबंधन को मैं बधाई देता हूँ। इस दौरान समाज सेवी नरेंद्र खोरनिया, प्रदीप जोशी, ललित पंचाल, राजू मामा, जाकिर चिकना, संजय सारगिया, उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी, नायब तहसीलदार मयूर शर्मा, गलिया को तहसीलदार रमेश मंडेला, महिपाल सिंह, नीलेश संघवी, शैलेश जोशी, प्रकाश सोनी एवं प्रहलाद जोशी उपस्थित रहे।